स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं ओटागो वर्सेस अकलैंड T20 मैच रिव्यू। तो बिना देरी किए आप प्रीव्यू शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं, ये मैच जॉन डेविस ओवल क्वींसटाउन के ऊपर खेला जाएगा और ये मैच करीबन सुबह के 7:10 पर स्टार्ट होगा। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप यहाँ पे बहुत कुछ मिस कर रहे हो। पर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन क्यों करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ना लाइनअप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है, फाइनल टीम्स आती है, ये मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे कर सकते हो, मैं क्या करूँगा आपको पता है। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर सबसे टॉप पे पिन करके दे दूंगा, जिसके ऊपर पहले से 1,00,000 लोग जुड़े हुए हैं। तो आप भी जुड़ सकते हो, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये सेम वेन्यू है जहाँ पर आज ही के दिन 28 दिसंबर को ओटागो वर्सेस वेलिंगटन के बीच में मैच खेला गया था। तो अपन ने उस मैच के अंदर क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। प्लस दोस्तों मेरे पास ना आपके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज के कुछ फोटोज हैं। तो आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ फोटोज के ऊपर। तो दोस्तों आप देख सकते हो, जब यहाँ पे लास्ट मैच हुआ था ना आज के दिन 28 दिसंबर को, तब की दोस्तों पिच की फोटो है। बड़ी मुश्किल दोस्तों मैं पिच की फोटो निकाल पाऊँ यहाँ पर जुगाड़ करके। तो दोस्तों आप पिच को यहाँ पर देख सकते हो, जो पिच रहेगी दोस्तों आई थिंक इसी सेम पिच के ऊपर दोस्तों मैच होगा। वेन्यू दोस्तों आपको पता है सेम ही है, क्वींसटाउन, बहुत ही दोस्तों खूबसूरत स्टेडियम। आप पिच को देखो, इस पिच के ऊपर दोस्तों रन बनेंगे। और बड़ी चीज़ बताऊँ क्या दोस्तों, इसका जो ग्राउंड डायमेंशन है ना ये दोस्तों बहुत बड़ा है। मैं आपको पहले बता दोस्तों, न्यूजीलैंड के अंदर ना आमतौर पर इतने ग्राउंड, इतने बड़े ग्राउंड देखे नहीं जाते हैं। ये ग्राउंड दोस्तों बहुत बड़ा है। तो आप पिच को देखो यहाँ पर दोस्तों, बहुत बढ़िया पिच यहाँ पर रन बनेंगे। और दोस्तों मेरे हिसाब से फ्लैट पिच लग रही है यार, पूरी पेसेस को यहाँ पे, मतलब आप देखो यार पिच के ऊपर ज़्यादा ग्रास भी नहीं है यार, ठीक है, एकदम फ्लैट विकेट लग रहा है दोस्तों पाटा, ठीक है, एकदम हार्ड सर्फेस रहेगा जो मुझे लग रहा है दोस्तों, ठीक है। आप पिच को यहाँ पर देख सकते हो, ये स्टेडियम को दोस्तों व्यू आप देखो यार, क्या स्टेडियम है यार ये, मतलब भाई साहब क्या ही स्टेडियम। आप देखो दोस्तों यहाँ पे बादल है, ये दोस्तों पहाड़ है, ये अपना दोस्तों महफिल सजी यहाँ पे मैचेस की, ठीक है। तो दोस्तों टॉप क्लास स्टेडियम है दोस्तों, द सीन इज सेट, ठीक है। ये देखो आप क्वींसटाउन न्यूजीलैंड दोस्तों, गजब स्टेडियम है, मजा आने वाला दोस्तों यहाँ पर इस मैच के अंदर। ये दोस्तों आप देख सकते हैं जब मैचेस होते हैं तो कैसा यहाँ पे व्यू आता है, और टॉप क्लास दोस्तों स्टेडियम है, जितनी प्रशंसा की जाए स्टेडियम की दोस्तों उतनी कम है यहाँ पर। ये देखो आप दोस्तों यहाँ पे प्लेयर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, वी विल वेट करके लिखा हो दोस्तों, मतलब बहुत ही कूल स्टेडियम है दोस्तों ये। अब यहाँ पे स्टैट्स की बात करते हैं तो आपको नोट करना दोस्तों होम ग्राउंड है किसका, इट इज होम ग्राउंड ऑफ ओटागो टीम। क्वींसटाउन दोस्तों होम ग्राउंड है किसका, ओटागो टीम का, आपको नोट करना था। और यहाँ पे दोस्तों आपको पता भी रहेगा, जो भी टीम आती है ना यहाँ पे फॉरन से टूर कर रहे हैं इंटरनेशनल मैचेस के अंदर, तब दोस्तों यहाँ पे इनका प्रैक्टिस सेशन चलता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो टीम बैट फर्स्ट करती है एक मैच जीती है, जो टीम चेस करती है वो भी एक मैच जीती है। ऑस्ट्रेलियन स्कोर 152/180। लास्ट जो मैचेस में यहाँ पे क्या हुआ था, पेसर्स मतलब तेज गेंदबाज, उन्होंने यहाँ पे 14 विकेट निकाले थे, पहली पारी के अंदर 6, दूसरी पारी के अंदर 8, राइट आर्म पेसर्स का 11 विकेट थे, लेफ्ट आर्म पेसर्स का 3 विकेट थे। बात करते हैं स्पिनर्स की, तो स्पिनर्स ने लास्ट दो मैच के अंदर यहाँ पर 3 विकेट निकाले, पहली पारी में 1 है, दूसरी पारी के अंदर 2 विकेट्स हैं। राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स का 1 विकेट था, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का यहाँ पे 3 विकेट था। अब देखो दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये दोस्तों 2012 के T20 के स्टैट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, रिसेंटली यहाँ पे एक फॉर ट्रॉफी हुई थी, उसके अंदर क्या हुआ था, आप देखो यहाँ पे फॉर ट्रॉफी मतलब होता है 50 ओवर के मैचेस के अंदर, यहाँ पे 2 मैच के अंदर पेसर्स ने 29 विकेट्स निकाले थे तेज गेंदबाजों ने, पहली बारी में 13, दूसरी बारी के अंदर 16 विकेट्स थे। राइट आर्म पेसर्स के 24 विकेट थे, लेफ्ट आर्म पेसर्स का 5 विकेट था। बात करते हैं स्पिनर्स की, तो स्पिनर्स ने यहाँ पे लास्ट दो मैच के अंदर ODD के अंदर 50 ओवर के मैच के अंदर 7 विकेट निकाले थे, पहली बारी में 5, दूसरी बारी के अंदर 2। तो कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर दोनों पारी के अंदर पिच एक तरह से बिहेव करती है, बैट फर्स्ट करना ज़्यादा दोस्तों लाभदायक है। यहाँ पर क्लाउडी वेदर है, वेदर फोरकास्ट दोस्तों आपको दिखा भी देता हूँ, मेरा फर्ज बनता है, इट्स माई ड्यूटी टू शो यू वेदर फोरकास्ट। तो आप देखो दोस्तों यहाँ पे बारिश की संभावना मुझे कम लग रही है यार, बारिश बहुत मुश्किल है यहाँ पे हो जाए यार, लेकिन ओवरकास्ट कंडीशन हो सकती है। अच्छी बात क्या बता आपको, यहाँ पे ना सुबह बारिश होती है और दोस्तों रात को बारिश होती है, लेकिन दोस्तों जब मैचेस होते हैं ना दोपहर और शाम को यहाँ पे बारिश नहीं है। तो दोस्तों एक अच्छी चीज़ यही है यहाँ पे देखने के लिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करके स्टार्ट कर सकते हो। स्वागत आप सबका सुपर स्मैश कप के अंदर, इट इज ए T20 लीग ऑफ न्यूजीलैंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे न्यूज़ की बात करते हैं, ओटागो के अंदर दोस्तों कोई चिंता की बात नहीं है, इनका जोश विनी शायद इंजर्ड ही अभी भी मुझे लग रहा है, डेन फिलिप्स के बेबी हुआ है, इस मैच में वापसी कर सकते हैं। ऑकलैंड की बात करते हैं तो ग्लेन फिलिप्स और विल समरविले वापसी कर रहे हैं, दोनों दोस्तों लीजेंडरी प्लेयर्स सब जानते ही हैं। ये तो दोस्तों इसको फादर भी बोलते हैं विल समरविले को, ठीक है। अब आएंगे दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, जब दोनों टीमें आपस में खेलती है तब क्या होता है, दोनों टीमें आपस में 32 मैच खेले हैं, डैड बोलते हैं फादर नहीं, ठीक है, 32 मैच खेले हैं। और ऑकलैंड दोस्तों 16 जीती है, ओटागो 11 जीती है। बात करें दोस्तों लाइनअप्स की, तो यहाँ पे देखो ओटागो इस साल ना
पांच मैच के लिए भाई साहब, तीन हारी है एक जीती, एक अबॉन्डेंट हुआ है। हेमेश रदरफोर्ड दोस्तों यहाँ पे कैप्टनसी करने ओपन करते हैं, जो टशमन जोन के साथ ओपन करेंगे। नील ब्रोम है, निक कैली है, एंड्रू किचन है, लल्लू जॉनसन राइटी बैटर, मैक्स चूर लेफ्टी बैटर है, माइकल रिपन लेफ्टी बैटर प्लस लेफ्ट आर्म चेयरमैन स्पिनर है, मैथ्यू बेकन राइट आर्म मीडियम है, जफी यहाँ पे जैकब डफी है राइट आर्म फास्ट मीडियम, जैक गिब्सन राइट आर्म मीडियम है। और यहाँ पे दोस्तों बैकम वेल ये दिख रहा है आपको, बैकम व्हील विलर ग्रेनल करके इनका नाम है, राइटी बैटर प्लस ऑफ स्पिनर, ये भी खेल सकते हैं। और इस मैच में दोस्तों डेनियल फिलिप्स भी आ सकते हैं, इनके स्टैट्स भी आपको मैं दे दूंगा, राइटी बैटर रहूँ। अकलैंड की बात करते हैं, साल लॉस लॉस वन वन, दो मैचेस जीते दो मैच हारे चार में से। गप्तिल ओपन करने चाहिए वर्कर के साथ, मार्क चैपमैन वन डाउन आएंगे, ग्लेन फिलिप्स टू डाउन आने चाहिए, रॉबर्टो डोनाल्ड थ्री डाउन है, बेन हॉर्न है, दंडू फ्रांसिस मैच में खेल सकते हैं, चांसेस बन रहे हैं, लुकी फर्गसन, विल सोमन वाले, आदित्य अशोक, बेंजामिन लिस्टर, और दूसरा पे कॉल ब्रिक्स को स्क्वाड से बाहर कर दिया है ना, कॉल ब्रिक्स करके। अब यहाँ पे लुइस डेलपोर्ट और सीन सोलिया 12th और 13th मैन हो सकते हैं, तेरह प्लेयर का स्क्वाड था उसमें दोस्तों, ये 13 प्लेयर्स का नाम था जहाँ तक मैंने क्रॉस मारा उसके ऊपर तक का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो लोग चैनल पे तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कर दे, आपसे ये कहूँगा, आप देखो यहाँ पे जब दोनों टीम आपस में खेलते हैं तब क्या होता है, जब दोस्तों हमें रदरफोर्ड खेलते हैं अगेंस्ट है अकलैंड, तो क्या करा है, 23 मैच 27 के औसत है, 567 रन है, बैट फर्स्ट 91 नाबाद है, 52 51 है, 42 25 24 है, 19 17 5 4 4 किस के ऊपर 50 है, 49 38 है, 37 है, 21 20 11 5 4 2 0 0 बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर किसकी, नील ब्रोम की, 26 मैच 20 के औसत है, 583 रन है, बैट फर्स्ट 93 51 33 30 17 14 11 10 8 7 2 1 चेस के ऊपर 60 है, 51 है, 23 है, 14 है, 12 है, 11 है, 5 है, 1 है, 0 0 है। निक कैली का दोस्तों आप देख सकते हो हेड टू हेड के अंदर 11 मैच में 26 के औसत है, 182 रन है, बैट फर्स्ट 60 37 27 12 7 नाबाद 0 है, अगेंस्ट अकलैंड चेस के ऊपर 38 है 1 नाबाद 0 है, ओवरऑल टी ट्वेंटी क्रिकेट बैट फर्स्ट 20 के औसत है, चेस के ऊपर 31 के औसत है। एंड्रू किचन 13 मैच 199 रन से 18 की औसत है, बॉलिंग से एक विकेट है, बॉल सेकंड करते हुए 9 मैच के अंदर विकेट लस गए हैं, पर ये दोस्तों पहले कम बॉलिंग करते थे, इस साल या आप कह सकते हो एक दो साल से बॉलिंग ज़्यादा करने लगे हैं, तो उनका रोल बढ़ गया है। लल्लू जॉनसन ने दोस्तों जब लास्ट टाइम खेला था ना, 7 छक्के मारे थे, 72 की नॉक खेली थी बैट फर्स्ट करते हुए, इनका टी ट्वेंटी का सबसे बेस्ट नॉक हुई थी। मैक्स टू का 4 मैचेस में 8 रन है, रिपिन का 7 मैचेस में 42 रन 5 विकेट है, 2 मैच के अंदर दोस्तों विकेटलेस भी गए। मैथ्यू बेकन आएंगे यहाँ पे, 4 विकेट बॉल फर्स्ट 3 विकेट बॉल सेकंड, तो हो गए इनके 3 और 4 7 विकेट है 2 मैचेस में हेड टू हेड के अंदर। जैकब डफी 20 विकेट 16 मैच 4 मैच के अंदर विकेटलेस हैं, और दोस्तों यहाँ पे जैक गिब्सन अच्छा परफॉर्मेंस दिया, उन्होंने ओडीडी के अंदर 5 मैच में 12 विकेट है। स्टार्टिंग ओवर यहाँ पे दोस्तों डफी डालेंगे, गिब्सन बेकन एंड्रू किचन डेथ में डफी है, जैक गिब्सन मैथ्यू बेकन है। अब दोस्तों पे जोश्विनी भी आ सकता है या फिर डेलन फिलिप्स भी आ सकते हैं, इनका हेड टू हेड स्टेट्स आप देख लो, डेल फिलिप्स का 5 नॉट आउट है बैट फर्स्ट करते हुए हेड टू हेड के अंदर अगेंस्ट अकलैंड, जोश्विनी का 10 मैच में 77 रन है। बात करें दोस्तों अकलैंड की, तो आपको ध्यान देना है जब मार्टिन गप्तिल खेलते हैं अगेंस्ट ओटागो, गजब एवरेज है, 12 मैच 592 रन 55 की औसत है, बैट फर्स्ट 84 नाबाद 65 64 नाबाद 62 नाबाद 36 7 6 चेस के ऊपर 66 46 43 है, यहाँ पे 6 5 है, बहुत अच्छे प्लेयर है दोस्तों, इन फॉर्म है, फॉर्म भी अच्छा है इनका, इंडिया के अंदर अच्छा कर रहा था नवंबर के अंदर। जॉर्ज वर्कर 18 मैच 34 की एवरेज है, 583 रन है, 8 टाइम्स 30 प्लस स्कोर कर रहा है इस टीम के खिलाफ, 6 बार तो चेस करते हुए करा है अगेंस्ट ओटागो। मार्क चैपमैन 11 मैच में 202 रन है, 29 की एवरेज है, बैट फर्स्ट 76 36 29 5 चेस के ऊपर 20 19 17 है, बॉलिंग से 4 विकेट है। आएंगे दोस्तों पे ग्लेन फिलिप्स, 10 मैच 335 रन है और 56 की एवरेज है, बैट फर्स्ट 55 43 नाबाद 20 16 5 चेस के ऊपर 106 नाबाद 62 नाबाद 27 1 है, बॉलिंग से 2 विकेट, एक ही बार बॉल करा था और इसने निकाला था दोस्तों 2 विकेट बॉल फर्स्ट करते हुए। रॉबर्टो डोनाल्ड 10 मैच 71 की एवरेज है, 212 रन से दोस्तों भी बहुत अच्छे बैटर है, बैट फर्स्ट 34 37 नाबाद 22 नाबाद 21 19 नाबाद, चेस के ऊपर 38 नाबाद 27 नाबाद 18 है। बेन हॉर्न ने लास्ट मैच के हीरो रहे थे दोस्तों, ये भी कुछ 9 गेंद के अंदर 27 रन करे थे इसने अगेंस्ट सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स, मुझे अभी भी याद है दोस्तों शे ट्रांस को ब्लैक टिकनर को आड़ा थ्रीचा लिया था इसने, 6 मैच में 102 रन से हेड टू हेड के अंदर, और यहाँ पे दंडू फ्रांसिस आएंगे, देखिए हेड टू हेड के अंदर 2 मैचेस में 4 विकेट है, लुकी फर्गसन का 1 मैच में 0 विकेट है हेड टू हेड के अंदर, विल सोमरवेले का 6 मैचेस में 8 विकेट है। अब यहाँ पे देखो बॉल फर्स्ट ज़्यादा अच्छा करते हैं दोस्तों और इनका 1 मैच के अंदर विकेटलेस भी गए हैं, बेंजामिन लिस्टर 4 मैचेस में 5 विकेट है 2 मैच के अंदर विकेटलेस, आदित्य अशोक के खिलाफ नहीं खेलना है, टी ट्वेंटी के अंदर 3 मैचेस में 4 विकेट है। लुइस डेलपोर्ट 1 विकेट है हेड टू हेड के अंदर बॉल सेकंड करते हुए, सीन सोलिया का 8 मैच में 132 रन 2 विकेट है। बात करेंगे स्टार्टिंग ओवर, बेंजामिन लिस्टर है,
लुकी फर्गसन है और दोस्तों दंडू फ्रेंड्स भी यहाँ पे खेलते हैं तो वो डालेंगे, वरना विल समरवली भी आते हैं नई गेंद से बॉलिंग करने। अब आएंगे दोस्तों डेथ ओवर में बेंजामिन लिस्टर, लुकी फर्गसन, सीन सोलिया या फिर दंडू फ्रेंड्स, दोनों में से वो एक ही खेलेगा जितना मुझे लग रहा है दोस्तों संभवित। वैन स्टैट्स की बात करते हैं, हमारे सदरफर्ड का पाँच है यहाँ पे, एक रन है टी ट्वेंटी के अंदर दो मैचेस खेल के। नील ब्रूम का यहाँ पे 27 रन दो मैच में, एंड्रू किचन का 3 है, जैक डफी का 4 विकेट है। ये दोस्तों लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मैचअप्स की बात करते हैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मैचअप्स। अब देखो लास्ट ईयर के स्टैट्स आपको कैसे समझ रहे हैं, जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ मैं। लास्ट ईयर ग्लेन फिलिप्स ने ना सुपर स्मैश कप के अंदर 9 मैच खेले, 17 की औसत थी, 156 रन थे। अब यहाँ पे विल समरवेल ने लास्ट ईयर 10 मैच खेला, 12 विकेट निकाला, 31 ओवर बॉलिंग कराई थी। इसी तरह दोस्तों आप हर प्लेयर के स्टैट्स को समझ सकते हो। मैचअप्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें शदरफर्ड का स्ट्रगल है काले जेमिसन के सामने, 33 गेंद 55 रन 4 बार आउट कराए। बेंजामिन लिस्टर ने 32 गेंद में 50 रन देकर 2 बार आउट कराए। डेलपोर्ट ने भी एक बार फंसाया। आएंगे फिर दोस्तों यहाँ पर जोश फिनी, शायद ही खेलेंगे। लुइस डेलपोर्ट के सामने स्ट्रगल है, 42 बॉल 48 रन 2 बार आउट कराए और सबके सामने एक एक बार आउट हुए। नील ब्रूम वर्सेस विल समरवेल, 30 गेंद 51 रन 2 बार आउट कराया। बेंजामिन लिस्टर ने 38 गेंद में 33 रन देकर 1 बार आउट कराया। निक कैली वर्सेस है विल समरवेल, 22 गेंद 27 रन 2 बार आउट कराए। दोस्तों को पता रहेगा निक कैली लेफ्टी है और दोस्तों विल समरवेल ऑफ स्पिनर है, तो मैचअप दोस्तों वहाँ पे बनता है इनका। इस टीम में 3 लेफ्टीज हैं, एक तो दोस्तों निक कैली लेफ्टी है, एमएस रदरफोर्ड है, माइकल रिपन है यहाँ पे लेफ्टी। बेंजामिन लिस्टर ने भी आउट कराया इनको, 39 बॉल में 37 रन देकर 2 बार आउट कराया। फिर आएंगे दोस्तों यहाँ पे फिर एंड्रू किचन, इनका सिंगल सीन सूर्य के सामने, 14 गेंद 8 रन 2 बार आउट कराए 3 पारियों के अंदर। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो इनका स्ट्रगल रह रहा है लुकी फर्गसन के सामने, डेलपोर्ट के सामने भी थोड़ा थोड़ा। मार्टिन गप्तिल का स्ट्रगल है माइकल रे के सामने, स्क्वाड के अंदर शायद वो नहीं है। डफी के सामने, रिपन के सामने एक एक बार आउट है। वर्कर का स्ट्रगल है बैकन के सामने, 73 गेंद 70 रन 2 बार आउट हुए। डफी के सामने 36 गेंद 38 रन 2 बार आउट हुए। माइकल रे के सामने 61 गेंद 30 रन 2 बार आउट हुए। मार्क चैपमैन वर्सेस माइकल रिपन, 48 गेंद 49 रन 2 बार आउट हुए। ग्लेन फिलिप्स का स्ट्रगल रिपन के सामने, 27 गेंद 32 रन 2 बार आउट हुए। रॉबर्ट ओडोनेल वर्सेस रिपन, माइकल रे मैथ्यू बैकन के सामने एक बार आउट हुए। कॉमन कैप्टन एंड्रू किचन है दोस्तों, मार्टिन गप्तिल बड़ी लीग्स में बनाओ यहाँ पर, मार्टिन गप्तिल, मार्क चैपमैन, ग्लेन फिलिप्स, लुकी फर्गसन, 4 दोस्तों मोस्ट अवेलेबल यहाँ पे प्लेयर्स हैं। ऑकलैंड दोस्तों फेवरेट लग रही थोड़ी सी, या कह दो ज़्यादा सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिफरेंशियल पे वर्कर, किचन, नील ब्रूम। बात करेंगे दोस्तों टीम्स की, क्या रहने वाली यहाँ पे टीम्स, तो यहाँ पर दोस्तों कैप्टन मार्टिन गप्तिल, वाइस कैप्टन ग्लेन फिलिप्स है, महेश रदरफोर्ड है, जॉर्ज वर्कर है, मार्क चैपमैन है। यहाँ पे दोस्तों मैंने कवर करे हैं यहाँ पे विल समरवेल को और ग्लेन फिलिप्स को जो उस मैच में वापसी कर रहे हैं, देखते हैं क्या करते हैं यार। यहाँ पे आदित्य अशोक है, यहाँ लुकी फर्गसन है, तो यहाँ पे दोस्तों मेरे पास 2 स्पिनर्स हैं और यहाँ पे फिर से 2 स्पिनर्स ऑलराउंडर के अंदर है, तो थोड़ा सा स्पिन फ्रेंडली टीम हो गया है। तो पेसर 2 है, लुकी फर्गसन, जैक डफी, तो टीम आप दोस्तों देख ही सकते हैं यहाँ पर। अब देखो बड़ी लीग्स में क्या करना है, रिस्क लेने से दोस्तों डरना नहीं है। ग्लेन फिलिप्स यहाँ पर टॉप मोस्ट पिक रहेंगे कीपिंग के अंदर और दोस्तों किसी की तरफ आपको देखना ही नहीं है। बैन हॉर्ने को भी आप ट्राई कर सकते हो, करना चाहो तो, थोड़ा रिस्की है। रदरफोर्ड टॉप मोस्ट पिक अच्छा कर रहे हैं दोस्तों आमतौर पर ये, लेकिन ऐसा प्लेयर दोस्तों उसका दिन तो ही चलता है, 50-50 प्लेयर है सामने। दोस्तों लुकी फर्गसन जैसे पेसर रहेंगे, विल समरवेल जैसे ऑफ स्पिनर रहेंगे, तो मैचअप इनका अच्छा खासा है, आउट कर सकते हैं जल्दी। गप्तिल इंपॉर्टेंट है, चैपमैन दोस्तों अच्छा कर रहे हैं, ब्रूम दोस्तों एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हमेशा रहते हैं, इस टीम के लिए अच्छा करते हैं आमतौर पर, ट्राई जरूर करना। वर्कर को दोस्तों हमेशा पिक करूंगा, इज वर्ल्ड क्लास प्लेयर और लास्ट दोस्तों 11 मैचेस में 400 के ऊपर रन से आ रहे, इतना अच्छा करते हैं। रॉबर्ट ओडोनेल आपके ऊपर निर्भर करता है। निक कैली कैन भी डिफरेंशियल पिक ओवर अदर प्लेयर्स, या उठाओ के अदर प्लेयर्स के ऊपर डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं, बहुत अच्छा करते हैं भी। एंड्रू किचन ठीक ठाक पिक है, रिपन दोस्तों भी ठीक ठाक पिक है, इसलिए क्योंकि मैं ठीक ठाक क्यों कहता हूँ दोस्तों, ठीक ठाक का मतलब होता है कि इनकी दोस्तों गारंटी नहीं होती कभी कभी चलने की, ऑलराउंडर्स है, दिन व दोस्तों चलते हैं, दिन निवा तो नहीं चलते हैं। फिर आएंगे यहाँ पर सीन सोलिया, शायद ही खेलेंगे, यहाँ पे जगह मुश्किल लग रही है। फर्गसन इंपॉर्टेंट है, डफी दोस्तों ठीक ठाक कर रहे हैं यहाँ पे, लिस्टर भी दोस्तों अच्छे गेंदबाज है, अच्छे ओट्स डाल रहे हैं, मतलब डिफिकल्ट फेस के अंदर आके बॉलिंग करते हैं। डेलपोर्ट शायद ही खेलेंगे, आदित्य अशोक दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, शायद उनको ज़्यादा चांस दिया जाएगा। फिर बैकन को आप ट्राई कर सकते हो, अच्छे नंबर्स इनके हेड टू हेड के अंदर 2 मैचेस में 7 विकेट हैं। फिर यहाँ पे विल समरवेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ट्राई करा मैंने, और कोई भी फर्दर अपडेट्स आएगी आपको दे दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, कैसे जुड़ना है, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन, सबसे टॉप पे पिन ग्राफ में मिल जाएगा। और दोस्तों आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो ट्विटर के ऊपर या फिर दोस्तों इंस्टाग्राम के ऊपर, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू गाइस, सी यू सून, जय हिंद।